मोहतरम जनाब आरिफ साहब बेहतरीन कलाम सजदे में है। आइए एक पैगाम पहुँचा दूँ मैं जल्दी से। मोहतरम जनाब रजा सिसवी साहब कहते हैं नमाज, बहुत सारे लोग हैं हमारे यंग, हमारा यूथ, हमारा नौजवान, हमारा मुस्तकबिल, जो हमारी बहरहाल कौम का मुस्तकबिल है, वो क्या करता है, बहुत आगे आगे जुलूसों में होता है, मातम में होता है, मगर नमाज की जब बात आती है तो वो इंसान पीछे हट जाता है। उनके लिए एक संदेश, एक पैगाम, एक मैसेज, नमाज सैयद मजलूम की अमानत है, रूह की ठंडक दिलों की राहत है। नमाज रूह की ठंडक दिलों की राहत है। धीरे से पढ़ लो क्या मिसरानी, तो नमाज साहिब ईमान की अलामत है, नमाज सैयद मजलूम की अमानत है, नमाज रूह की ठंडक दिलों की राहत है। अरे तुम्हें नमाज की फुर्सत नहीं कयामत है, तुम्हें नमाज की फुर्सत नहीं कयामत है। अरे नमाज पढ़ के जो मातम को हाथ उठाते हैं, इमाम असर बड़ी देर मुस्कुराते हैं। नमाज पढ़ के जो मातम को हाथ उठाते हैं, इमाम असर बड़ी देर मुस्कुराते हैं। नमाज पढ़ के जो मातम को हाथ उठाते हैं। आपने एक शेर पढ़ा इमाम सज्जाद के हवाले से, कबीला फखरी मेरठी साहब ने कहा, अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता, जो ये रूबा आहट शेर की पाते। क्या बताऊं, आप नहीं बोल रहे, मुझे बुलाना, यूं कह लूं बुलवाना आता है आपसे, लेकिन क्या करूं मजबूर हूं। यहाँ महफिल की निजामत नहीं कि खूब ज़्यादा शेर पढ़ा जाए, आपको जगाया जाए, यहाँ मैटर दूसरा। बहरहाल कि अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता, जो ये रूबा आहट शेर की पाते तो क्या होता, जब एक कैदी के आने से कयामत हो गई बरपा, अगर दरबार में अब्बास आ जाते तो क्या होता, जब एक कैदी के आने से कयामत हो गई बरपा, अगर दरबार में अब्बास आ जाते तो क्या होता। आइए, मैंने कहीं कहा था, अब वो शायर आपके दरमियान आ रहा है कि जो सो रहे हैं वो जाग जाएंगे, जो बाहर हैं वो अंदर आ जाएंगे, जो बैठे हैं, जो खड़े हैं वो बैठ जाएंगे, जो सो रहे हैं वो जाग जाएंगे। मेरी मुराद इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मोहतरम मौलाना आकिब बरसरावी साहब, नारे सलवार। आज मुलाजा करेंगे जनाब अली असगर का सिलसिला, जनाब बड़े भाइयों ने किया है, मैं भी एक जावे पेश करता हूँ जनाब अली असगर के सिलसिले से। कसम खुदा की, अगर इस जावे से कभी आपने सुना होगा तो दुआओं से मन नवाजिएगा। किले जुल्म को ढाया है अली असगर ने, मज़ाहिर भाई चौथा मिसरा सुनिएगा आप हजार। किले जुल्म को ढाया है अली असगर ने, मैं अभी अपनी सरजमीन आजमगढ़ में इस कलाम को पढ़ा था सुन्नियों के मजमे में। हमारे एक अजीज दोस्त हैं जनाब दानिश साहब, उनके वालिद साहब हमें दो साल से बुलाते हैं अपने यहाँ जश्न गौसल वाला में। कसम खुदा कि वहाँ के जो अहले सुन्नत थे बहुत बेहतरीन तरीके से सुना था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अहले सुन्नत हजरत इस तरीके से इस कलाम को सुन लेंगे। किले जुल्म को ढाया है अली असगर ने, किले जुल्म को ढाया है अली असगर ने, जोर हैदर का दिखाया है अली असगर ने। चौथा भी सब पहुंच जाए तो बुजुर्गों दुआ से नमाज दीजिए, उस्ताद दुआ चाहता हूँ। किले जुल्म को ढाया है अली असगर ने, जोर है दल का दिखाया है अली असगर ने, तो जिस जगह ख्वाब से रोना भी बड़ा मुश्किल था, सुनिएगा, जिस जगह ख्वाब से रोना भी बड़ा मुश्किल था, वो जगह हंस के दिखाया है अली असगर, जिस जगह ख्वाब से रोना भी बड़ा मुश्किल था, जिस जगह खौफ से रोना भी बड़ा मुश्किल था, जिस जगह खौफ से रोना भी बड़ा मुश्किल था, उस जगह हंस के दिखाया है अली असगर ने, उस जगह हंस के दिखाया है अली असगर ने। गाजी अबुल फजल अब्बास के हवाले से सुनिए, जनाब सकीना अलैहिस्सलाम की वो मश जो गोसफन की बनी हुई थी, तारीख ने नकल किया है, करबला में सब शहीद हुए, जनाब सकीना की मश्क के ऊपर भी तीर बशकाई तीर भी मारी गई जनाब सकीना के मश्क के ऊपर इसी पसे मंजर में। मुलाजा के छह मिसे बड़े अजीबो गरीब सुनिए, बड़ा शहीद वो है वह जनाब सकीना की मश्क जो बनी हुई थी, वो एक खाल की बनी हुई थी इसी पसे मंजर में। शेर मुलाजा कर छह मिसे से सुनाता हूँ, बड़ा शहीद वो हैवान था वाहरे तकदीर,
बड़ा शहीद वो हैवान था वाहरे तकदीर बनी थी खाल से जिसकी वो मश्क बातौकीर। बड़ा सही वो हैवान था वाहरे तकदीर बनी थी खाल से जिसकी वो मश्क बात तौकीर के मुर्दा जिस्म ने राहे खुदा में खाया तीर। के मुर्दा जिस्म ने राहे खुदा में खाया तीर पना के बाद भी होती है बका की तदबीर। पना के बाद भी होती है बका की तदबीर। तो हर एक नासिरे शाहे अनाम जिंदा है ये मश्क वो है कि इसका बिला ये मश्क वो है कि इसका भी नाम जिंदा है। हर एक नासिरे शाहे अनाम जिंदा है हर एक नासिरे शाहे अनाम जिंदा है ये मश्क वो है कि इसका भी नाम जिंदा है। ये शान और ये शौकत हुसैन देते जो मुझे वक्त दिया गया है मैं उसी में इंशाल्लाह उतरने की कोशिश करूंगा। ये शान और ये इंशाल्लाह दो मिनट पहले उतर जाऊंगा। ये शान और ये शौकत हुसैन देते हैं ये शान और ये शौकत हुसैन देते हैं हमारे घर में भी बरकत हुसैन देते हैं। लब्ज़े दौलत और है मुलाजा करिएगा लब्ज़े दौलत और है लब्ज़े बरकत और मुलाजा करिएगा। ये शान और ये शौकत हुसैन देते हैं हमारे घर में भी बरकत हमारे घर में भी बरकत हमारे घर में भी बरकत हुसैन देते हैं। तो आजा के नाम पे दो माह खर्च करता हूं तो साल भर हमें दौलत हुसैन। आजा के नाम पे यहां से बात मुलाजा करिएगा बात मुलाजा करिएगा। आजा के नाम पे दो माह खर्च करता हूँ तो साल भर हमें दौलत बात सुनिएगा तो साल भर हमें दौलत हुसैन देते हैं। अल्लाह को ख्याल है कितना हुसैन का अल्लाह को ख्याल है कितना हुसैन का झूला झूला रहा है फरिश्ता हुसैन का कश्ती हुसैन की है किनारा हुसैन का तूफान जुल्म में भी सहारा हुसैन का। अल्लाह को ख्याल है कितना हुसैन का झूला झूला रहा है फरिश्ता हुसैन का कश्ती हुसैन की है किनारा हुसैन का तूफान जुल्म में भी सहारा हुसैन का। तो है मुश्तरक नमाज तेरा सजदा है तवील आधा रसूल का है तो आधा है मुश्तरक नमाज तेरा सजदा है तवील है मुश्तरक नमाज तेरा सजदा है तवील आधा रसूल का है तो आधा हुसैन का सलाम।